हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं विकास होंडा मिनी आउटलेट चेरा कला, मुजफ्फरपुर टू महुआ रोड में पड़ता है ये। और आपको हम आज बताने वाले हैं होंडा साइन एसपी का नाम सुना है आप लोगों ने, होंडा साइन का छोटा वाला भाई होंडा साइन 100 सीसी में जो बाइक आई है, नई नई है फिलहाल, उसी का डिटेल रिव्यू करने वाला हूँ। आप लोग देख सकते हैं सामने डिस्प्ले पर, और ये यहाँ पर इसका सीडी ड्रीम डिलक्स है, उसके जस्ट बगल में है जिसका नाम है ब्लैक विथ ग्रे 100 सीसी में होंडा साइन, उसी का वीडियो बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो बने रहें। तो फ्रेंड्स, ये है आपके सामने होंडा साइन 100 सीसी में जो आपके सामने है, और ये सामने का ही फ्रंट लुक। सामने आपको मिल जाएगा यहाँ पे होंडा की ब्रांडिंग। और इसके इंडिकेटर की बात करें तो अभी इंडिकेटर मैं चला के दिखा दे रहा हूँ आपको लाइव, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। तो मैंने इंडिकेटर ऑन किया, ये आपका इंडिकेटर है हैलोजन बल्ब में, और इसमें पन्नी का कवर लगा हुआ, इसलिए मैंने खोला नहीं इसको। और सामने का ये फ्रंट लुक है, हैलोजन बल्ब में मिलेंगे आपको लाइट भी। आइए इसका हम लाइट आपको जलाकर दिखाते हैं। तो अभी लाइट जलने का थ्रू आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आ रहा है, बिल्कुल ही येल्लो है सिंपल में। और सामने आपको नीचे यहाँ पे नंबर प्लेट की बैजिंग दी गई है। और इसके सस्पेंशन की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको सस्पेंशन दिया गया है टेलीस्कोपिक, जो फ्रंट में सस्पेंशन है, दोनों तरफ रिफ्लेक्टर दिए गए हैं, यहाँ पे आपको दोनों साइड मिल जाएंगे सेफ्टी के हिसाब से। और यहाँ पर MRF के टायर दिए गए हैं, जो ट्यूबलेस नहीं है, ट्यूब वाले टायर हैं, 130 mm ड्रम ब्रेक के साथ, और 2 75 17 इंच के टायर दिए गए हैं इसमें। और इसके ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो ब्रेकिंग सिस्टम कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम आता है इसमें। और सामने आप टैंक पर देख सकते हैं होंडा की ब्रांडिंग और होंडा का लोगो। ये इसका जो कलर है ये ग्रे कलर है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है होंडा साइन का। और यहाँ पर आपको साइन की बैजिंग मिल जाएगी। ये है कीक स्टार्ट पैडल दिया गया इसका यहाँ पर। और यहाँ पर आपको होंडा की ब्रांडिंग, इंजन पे डुअल टोन इंजन है, यहाँ पे इसका ब्रेक पैडल है कॉमन ब्रेकिंग सिस्टम के साथ। और यहाँ ये इसका एडजस्ट है जो सिल्वर और ब्लैक में काफ़ी प्यारा लग रहा है इस पर। और फुटेस्ट एडजस्टेबल दिया गया यहाँ पे। और इसके सस्पेंशन की अगर हम बात करें रियर में, तो रियर में आपको ट्विन सस्पेंशन दिया गया है, और 110 mm ड्रम ब्रेक के साथ रियर में इसका ब्रेक दिया गया है। और इसका टायर साइज थोड़ा बढ़ा दिया गया है पहले के मुकाबले। और ग्रिपिंग की बात करें तो इसमें बरसात वगैरह में स्किप करने की कम चांस रहेंगे, क्योंकि ग्रिप इसका बहुत बढ़िया बनाया गया है। और ये इसका रियर का लुक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सामने आपको बैकलाइट, रिफ्लेक्टर और नंबर प्लेट की बैजिंग, और वहाँ पर आपको होंडा की ब्रांडिंग, दोनों तरफ आपको इंडिकेटर मिल जाएंगे रियर के। और इसके ग्रेफ हैंडल की बात करें तो आपको सिल्वर कलर में मिलेंगे, जो बहुत अच्छा लगता है मुझे देखने में पर्सनली। और ये इसका बैक फुटरेस्ट जो लेडीज़ गार्ड के साथ आया है, और सामने आपको यहाँ पे फुटरेस्ट मिल गया है एडजस्टेबल। और यहाँ पे आपको साइन की बैजिंग, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे लिखा हुआ। ग्राफिक्स जो ऊपर से टैंक पे यहाँ आया, बहुत ही प्यारा लग रहा है। सामने आपको होंडा का बैजिंग मिल जाएगा यहाँ पर टैंक पे, जो यहाँ पर लोगों के साथ है, आपको स्टिकर में ही मिलेगा। और ओवरऑल लुक आप देख लीजिए साइन का, कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको डिस्प्ले पर मेंशन कर दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आइए इसके अब हम कुछ जानकारी आपके साथ शेयर कर देते हैं। 98 सीसी का इसका इंजन दिया गया है। और फुल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 9 लीटर का फुल टैंक कैपेसिटी है। अब इसके गियर बॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। 4 स्पीड गियर बॉक्स के साथ ये बाइक आती है, और सिंगल स्टेन में कट ऑफ सेंसर का फीचर दिया गया है। बाइक का स्टेन अगर लगा रहेगा तो बाइक स्टार्ट नहीं होगा, ये बहुत अच्छा फीचर्स है इसमें फिट किया गया है। सिंगल स्टेन में ओनली 4 सिंगल स्टेन। और आपको इंजन पे होंडा की ब्रांडिंग मिल जाएगी। BS6 फेस 2 वाला इंजन है, आपको यहाँ पे सिंगल हॉर्न के साथ ये बाइक मिलेगी। इंजन टाइप की बात कर ले तो 4 स्ट्रोक SI इंजन इसमें आता है सिंगल सिलेंडर के साथ। मैक्सिमम पावर की बात करें 7.38 PS 7500 RPM में निकाल देता है। मैक्सिमम पावर टॉर्क की बात करें तो 8.05 Nm का टॉर्क 5000 RPM निकाल के देता है। बाइक की वेट की बात कर ले तो वेट इसका 99 kg का है, जो बहुत अच्छा काफ़ी हल्का वेट है। और यहाँ पर आपको मिरर मिल जाएगा रियर व्यू देखने के लिए दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट। और यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में बात करें तो यहाँ पे आपको पासिंग लाइट का स्विच दिए गए हैं, यहाँ पे आपको इंडिकेटर कंट्रोल्स और नीचे में हॉर्न। राइट साइड की बात कर ले तो यहाँ पे आपको सिर्फ सिर्फ स्टार्ट का स्विच दिया गया है। और आइए चाबी इसका ऑन करते हैं। पहले सबसे पहले इसका चाबी दिखा देते हैं आपको। तो की आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का की है, 2 की मिलती है नॉर्मल, जो साइन वगैरह में भी यही आता है होंडा साइन SP में। और आपको की लगा के बताते हैं मीटर के बारे में। तो मीटर आपका कुछ इस तरीके का व्यू है, एनालॉग में मीटर मिलता है, जो आपका लेफ्ट साइड में एनालॉग है और इधर भी एनालॉग है, मगर यहाँ पे फ्यूल के बारे में इंडिकेशन देखा है, न्यूट्रल, इंजन वार्निंग, इंडिकेटर और हाई बीम लो बीम के लिए इन्फॉर्मेशन करेगा यहाँ पे, जो काफ़ी अच्छा फीचर है। और इस बाइक में आपको E20 का सपोर्ट भी मिलेगा, जो काफ़ी अच्छा है। तो आइए फ्रेंड्स, इसे कुछ जानकारी आपसे शेयर कर देते हैं।
इस बाइक के विड्थ के बारे में बात करें तो 754 mm का विड्थ दिया गया है, लेंथ की बात करें 1955 mm का है, और इसके टोटल ऑफ हाइट की बात करें तो 1050 mm का इसका हाइट दिया गया है। सीट हाइट की अगर हम बात करें तो 786 mm का सीट हाइट है, ग्राउंड क्लियरेंस 168 mm का, व्हील बेस 1245 mm का मिल जाएगा आपको, और इसका मैंने वजन तो पहले बता दिया, 99 kg का ये बाइक है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा हमें वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और एक जानकारी आपको मैं बताने वाला हूं, अगर इसको 15,000 डाउन पेमेंट करते हैं 9.7% के हिसाब से तो आपको 24 मंथ की ईएमआई बनेगी 2728 रुपये, वो भी आपको 2 साल के लिए। अगर इसका 30,000 डाउन पेमेंट अगर करते हैं आप इस बाइक पे तो 9.7% के हिसाब से 18 मंथ का ईएमआई बनेगा 2655 रुपये। अगर आप ईएमआई पे बाइक लेना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब फाइनली फ्रेंड्स इसके माइलेज के बारे में बात करें तो आपको 60 से लेकर 70 के आसपास अप्रोक्स इसका माइलेज मिल जाएगा 100 cc के हिसाब से। और इसके ऑनरोड प्राइस हाजीपुर में बात करें तो हाजीपुर में इसका ऑनरोड प्राइस 74,303 रुपये है। प्राइस इधर उधर हो सकता है अपने अपने एरिया का, आप लोग कृपया अपने कॉन्टैक्ट डीलरशिप से जरूर बात करें और उनसे ही आप कॉन्टैक्ट करें तो ज़्यादा बेटर होगा प्राइस के बारे में, क्योंकि मैंने अपने एरिया का प्राइस बताया है। अगर किसी भाई को अपने एरिया का प्राइस जानना है तो कृपया अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर टाइप करें कमेंट में, मैं उनका प्राइस उस एरिया का बता दूंगा। और इसमें कुछ कलर ऑप्शन बच गए थे जो मैं आपको दिखा देता हूं डिस्प्ले पर, उसके बाद वीडियो का एंड हो जाएगा, तो आप लोग वीडियो बने रहें, आप इसका कलर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। बाइक से रिलेटेड कोई भी अगर जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नाना है टेक्निकल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगर आप लोग सपोर्ट बनाए रखें, वीडियो को लाइक ज़्यादा करें ताकि आगे वीडियो मैं अपलोड करता रहूं और आपको जानकारी शेयर करता रहूं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो ज़रूर एक बार प्यारा सा कमेंट करें,